हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में हम लोग अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर मेनली थ्री लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकंड मेंटल एंड थर्ड इज कोर। क्रस्ट लेयर यह एक आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की और इसकी रेंज 5 से 70 किलोमीटर तक होती है और एक सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का। क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो मेन थिकनेस होती है लगभग 30 किलोमीटर के अराउंड में होती है और यह सेल से बनी होती है। और सेल का मतलब यहाँ पर होता है सिलिका और एल्युमिनियम से। एंड यह ओशनिक क्रस्ट से ज़्यादा थिकर होती है और इसकी डेंसिटी लगभग 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। और ओशनिक क्रस्ट की बात की जाए तो इसकी मेन थिकनेस लगभग 5 किलोमीटर के अराउंड होती है और यह सीमा से बनी होती है। सीमा का मतलब यहाँ पे होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओशनिक क्रस्ट इज बेसाल्टिक इन ओरिजिन एंड रिलेटिवली ऑफ यंगर एज देन दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसकी जो डेंसिटी होती है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी क्रस्ट की लेयर सेल से बनी होती है और कौन सी क्रस्ट की लेयर सीमा से बनी होती है। इन दोनों पॉइंट से एग्जाम में मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात की जाए मेंटल क्रस्ट की तो यह इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 2890 किलोमीटर लगभग 2900 किलोमीटर तक। जो एथनोस्फेयर उसमें जो पार्ट होता है पोजिशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और यह मैग्मा का मेन सोर्स होता है और यह लगभग 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस मेंटल की जो कोर की डेंसिटी होती है वो 3.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के लगभग होती है और जो लोअर मेंटल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो अपर जो होता है वो लिक्विड में होता है। अपर स्टेट जो मेंटल का अपर लेयर होती है वो लिक्विड में होती है और लोअर मेंटल पार्ट होता है वो सॉलिड में होता है जो कि कोर की बाउंड्री तक फैला होता है। और इस लेयर को हम लोग डी लेयर कहते हैं। और लगभग 84% अर्थ का वॉल्यूम और 67% अर्थ का मास मेंटल ऑक्यूपाइड करता है। और जो मेंटल पार्ट किससे बना होता है मेनली सीमा से। तो यहाँ सीमा किसके लिए यूज किया गया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के लिए। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से ये बनता है कि मेंटल पार्ट किस चीज़ से बना होता है, वहाँ क्या पाया था, तो सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल एंड एंटायर क्रस्ट, जो भी इसका सॉलिड पार्ट होता है अपर मोस्ट और जो क्रस्ट का सॉलिड पार्ट होता है उससे क्या बनता है, लिथोस्फेयर। कि पीछे हमने पढ़ा था एथनोस्फेयर के बारे में कि ये लिक्विड होता है लेकिन ये इसके ऊपर भी मेंटल का पार्ट कुछ पार्ट सॉलिड होता है और इसके नीचे का पार्ट भी सॉलिड होता है। अब बात करते हैं कोर की। कोर फैला हुआ 2870 से 6370 किलोमीटर तक और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर बना हुआ है लिक्विड से और इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है।
और इनर कोर्ड किससे बना हुआ है? निफे से। निफे किसके लिए क्या इंडिकेट करता है? निफे होता है Ni फॉर निकल और Fe फॉर फेरस। तो मतलब जो इनर कोर होता है वो निकल एंड फेरस इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इनर कोर रोटेट हाई स्लाइटली फास्टर रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। और डेंसिटी की बात की जाए तो आउटर कोर की डेंसिटी लगभग 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की होती है, जबकि यह बढ़ जाती है कब? जब इनर कोर में। तो ये हो जाती है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। डायनामो थ्योरी की बात की जाए तो इट इज सजेस्ट डेट कन्वेंशन इन द आउटर कोर कम्बाइंड विद द कोरियोलिस इफेक्ट गिव राइज टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ की इंटीरियर बाउंड्रीज होती हैं जो उनके बारे में मैं बात की जाए तो पहली जो आती है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। तो यह पाई जाती है हाइड्रोस्फेयर और क्रस्ट के बीच में। तो ये देख रहे ब्लू डॉट जो दिख रहा है यहाँ पे वो हाइड्रोस्फेयर हो गया और ये क्रस्ट की लेयर येल्लो पार्ट होगी। इन दोनों के बीच में मतलब वहाँ कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब मोहरोविक या फिर मोहोक डिसकंटिन्यूटी ये क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री के बीच में पाई जाती है। जैसे ये येलो पार्ट हो गया तो आपका क्रस्ट का और ऑरेंज हो गया मेंटल का, तो इन दोनों के जो बीच की ये वाली तो यहाँ होती है मोहो डिसकंटिन्यूटी। और रैपिडरी डिसकंटिन्यूटी ये होती अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। और गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी तो ये पाई जाती है कोर और मेंटल की बाउंड्री के बीच, मतलब लोअर मेंटल हो गया और आउटर कोर इन दोनों की बाउंड्री जहाँ ज्वाइन होती है वहीं पर गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। और लहमन डिसकंटिन्यूटी ये होती है आपकी पाई जाती है इनर कोर और आउटर कोर के बीच वाली, जहाँ से दोनों का मिक्स होती है इनर कोर आउटर कोर, तो वहाँ लेमन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये मान लो ये इम्पोर्टेंट बाउंड्री होती है कि यहाँ से भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत से एग्जामों में कि कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है, किसके बीच में पाई जाती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है या किस लेयर में होती है अर्थ की। और तो इन सबसे गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है, तो ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी फ्यूचर में बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए जहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अर्थ का रेडियस पूछा जाता है कि अर्थ का रेडियस कितना है, तो ये होता है 6370 किलोमीटर। और अर्थ का डायमीटर लगभग जो होता है 12756 किलोमीटर, ये कहाँ होता है? इक्वेटर पे। और पोल पे ये घट जाता है थोड़ा सा, तो ये होता है 12715 किलोमीटर के लगभग होता है पोल पे। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्रस्ट में अर्थ का कितना वॉल्यूम पाया जाता है, तो ये होता है 0.5% और मेंटल में पाया जाता है 83% और कोर में 16%। अब टेम्परेचर प्रेशर और डेंसिटी की बात की जाए तो जैसे जैसे सरफेस से हम अर्थ के इंटीरियर भाग में मूव करते हैं तो वैसे वैसे सरफेस से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, उसी प्रकार उसके ठीक विपरीत में टेम्परेचर प्रेशर और डेंसिटी ये भी इंक्रीज करते हैं डिस्टेंस के साथ साथ। जितना डिस्टेंस सरफेस से बढ़ती जाएगी उतना ही टेम्परेचर प्रेशर और डेंसिटी में भी इंक्रीजमेंट होती जाएगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो ये पोल्स के पास हाई होता है, मतलब ग्रेटर होता है, और जबकि इक्वेटर में एक ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप अच्छे से समझ गए होंगे इंटीरियर पार्ट अर्थ के। थैंक यू।